में शंकर और सुशीला की गुलाचा हूँ। मातृ जाओ दरबार, शंकर सुशीला की बुलाकर के ले आओ। मैं तो खाना आज तेरा पिता संसार उधरता है। सुशीला बेटी, जिस रोज से तुम्हें मां गुजर गई उस रोज से तुम्हें खाना नहीं खिलाया हूं। मैं तो जंगल जाता हूं शिकार खेलने के लिए और शिकार खेल के आता हूं। मैं तुम्हारे छोटी मां ला दिया हूं, वो खाना खिलाती है कि नहीं खिलाती है? आज तू मेरे हाथ से दोनों भाई भी खाना खा लो, उसके बाद मैं बताऊंगा। सुशीला। हाँ पिताजी। क्या खाना नहीं खाना है? छोटी मां मां तुम्हें मानती है? बहुत अच्छी से मानती है। शंकर कुमार, मैं जानता हूं तुम्हें कितना मानता है। शंकर कुमार, हाँ कुछ खाना पीना है, खा पी लो। इस संसार आज तेरा लिए अंधेरा हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे पिताजी? मेरे लिए तो सब कुछ आप हैं,
लंगी तलवार लो, आज तू मेरे सर की काट दो। पिता महाराज लो, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये संसार मेरे लायक नहीं है, ये संसार मुझे उजड़ गया, मैं नहीं देखना चाहता हूँ संसार की, तुम मेरे सर की चला दो, आज तेरे लिए मैं चंडाल बन गया। भगवान बोल रहे हैं मुझे, मेरी माँ को छीन लिया, अब तो एक ही आप मेरा सहारा है, और आप भी हमको ऐसा कर रहे हैं। कहे पिताजी ऐसे याद आता है मुझे, इस संसार में मुझे नहीं जाने के लिए नहीं चाहता, इसलिए मेरा क्या होगा। माता और पिता तो आप ही हैं, और आप भी हमें छोड़ करके चले जाइएगा तो हम किसके सहारे इस संसार में रहेंगे। पिताजी बेटा, ये संसार तुम्हें लिए अभी है, मेरे लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहिए पिताजी। शक्कर कुमार, अगर तू मेरा मौत नहीं करता है, आज वो नागिन ने सच करवा लिया, तेरे कोर कलेजी मांग लिया, वो नागिन सुशीला की आंख मांग लिया। पिताजी शक्कर कुमार, मैं तुम्हें अगर बचपन में नमक छटा की मार देता उसी में अच्छा है, या तू सर उठा लेता तुम्हें दोनों की, तो इतना दर्द नहीं होता यार। पोष पाल की तुम दोनों की जवान किया, आज तुम्हारे संसार उजरता है शंकर कुमार। पिताजी हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर आपसे वो सब क्यों करवा लिया? आज तक मुझ पे इतना बड़ा जुर्म होता गया, मैंने कभी कोई शिकायत आपसे नहीं किया। मैं ये नहीं चाहता था कि हमारे वजह से हमारे पिताजी का सर किसी के सामने नीचा हो जाए। हे पिता महाराज, हर एक आदमी को अपने अपने कर्म का ही फल मिलता है। शायद हमारा कोई जन्म का ऐसा चुक था जिसकी सजा भगवान इस जन्म में मुझे दे रहा है। शंकर कुमार ये बतला बेटा, क्या तुम अपने माँ के पास गया था? हे पिता महाराज, क्या आपको अपना दिल कह रहा है कि इतने बड़े घिनौना हरकत आपका पुत्र कर सकता है? आप अपने दिल से पूछिए, हम क्या कहेंगे। शंकर कुमार हाँ पिताजी, तुम्हारे बदन का जो वस्त्र था वो क्या किया तुमने? पिताजी हमारे साथ बहुत घटना हुई, एक कहां से आए हमें, मैं आपको सारी कहानी बताता हूं। हमें बार बार मारा जाता था, पीटा जाता था, हमें भोजन नहीं दिया जाता था, बन से लकड़ी के लिए बेचता था, हमारे बाल को चावल में पानी भराया, दीना जुना को लकड़ी बनवा करके लाया। उसके बाद एक रोज बड़ी प्यार से आई और बोली कि बेटा तेरा ये कपड़ा गंदा हो गया है, तेरा वस्त्र मलिन हो गया है, तू तो राजकुमार है, लाओ मैं तो तेरी माँ हूं, इसको धो देता हूं। मैंने उसे धोने के लिए दे दिया। शंकर कुमार हाँ हाँ पिताजी, तुमने जिस काम से उसको वस्त्र दिया वही तो तुम्हारे काल हो गया। ओ नागी पापी, और मुझे सच करवा कर की बोला, महाराज शंकर कुमार मेरे परम का पास आ गया है, उसको मुझे कोर कलेजी चाहिए और सुशीला की आंख चाहिए। बेटा हे पिताश्री, आपने यदि सब किया है तो आप अपने धर्म का पालन कीजिए, मैं आपका धर्म तोड़ने वाला कौन होता हूँ? पुत्र का तो सम्मान उसी में है जो अपने पिता के आज्ञा का पालन करे। हे पिता महाराज,
त्रेता युग में महाराज दशरथ ने भगवान राम को आज्ञा दिया था कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ, अपने पिता का आज्ञा को शिरोधारण करके भगवान राम ने वनवास गया था और वो अपने कर्म का पालन किया। आज ठीक उसी तरह मैं भी आपके वचन को पालन करता हूँ, जो आपका आज्ञा होगा मैं वही करूंगा। आप अपना धर्म न तोड़िए, मैं नहीं मारूंगा। सत्यभंग हो जाएगा तो हो जाने दो, छत्री विनाश हो जाएगा मुझे होने दो, मैं उसको वचनों की नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे वध नहीं करूंगा, इससे अच्छा मैं अपनी मौत हो जाऊंगा हर जाति वादी में। नहीं पिताजी, ये जीवन तो इस संसार में बार बार मिलता है परंतु धर्म नहीं मिलता है। एक बार जो धर्म नष्ट हो गया दोबारा लौट करके नहीं आता है, लेकिन आत्मा अमर होता है। जिस तरह से ये कपड़ा आज पुराना हो गया इसको हम फेंक देते हैं, उसी तरह जिस दिन आत्मा को लगता है कि यह शरीर हमारे काम का नहीं है, पुराना हो गया, फट गया, वो इस शरीर को छोड़ करके कोई नया शरीर धारण कर लेता है। पिताजी, आपका और हमारा तो शरीर से नहीं मिलन है, आत्मा का मिलन है। ये शरीर तो आपका ही दिया हुआ है, आप हमें मार करके, आप अपने को बैठा करके सोने के कटोरा में दूध बांट खिलाती थी, लेकिन ये कभी कोई कुछ काम नहीं करवाते थे। मेरे आगे मेरे पीछे नौकरों की लाइन लगा होता, लेकिन आज देखो इतना मारा इतना पीटा और फिर भी हमने तो कभी कोई काम नहीं किया। सारे महल का कपड़ा लेकर के दे दिया, नौकर को भगा दिया, हमसे ये कभी होगा? सब नौकर के छुट्टी कर दिया है। बताओ, एक छोटा सा बालक बताया कि दोनों यही दोनों सभी काम करेगा, घर का बाहर का जितना काम है शंकर सोची लाए यही करेगा, नहीं करोगे तो पिटाई करेगा मारेगा। यही तो होता है कर्म का, जो जैसा कर्म करता है उसे होता भोगना पड़ता है। छुट्टी क्या मिलता हूँ बाहर दिमाग देखे चुके हैं, क्या करोगी? जीवन बिताना बहुत कठिनाई होता है। जो कोई राजा होता है वो रंग भी होता है, रंग से एक दिन कोई राजा भी बन जाता है। तो आज यही भूले पर हम दोनों भाई बहन के आ गए, अपन मैया रात हर गए बहन आगे दूध बाबा तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। Thank you.
चमरखल्ला बुट्टे ए लड़का तोरा दोष कौन क्या करियो वाली मैंने तो कभी ये काम नहीं किया। बड़ी आंखों से आंसू गिर रहा है, इतना काम करती हो ना, बड़ी माफी याद आ रही है। लड़की इधर सुन, जितना भी बात कहे हैं, काम करने के लिए माँ कहने के लिए दबाव दी है, जो भी कहे हैं एक भी बात पिताश्री को नहीं बताओगी, समझा ना? अगर बता दिया तो दोनों को जिंदा जला दूंगी मैं, कोई नहीं बचाने वाला रहेगा, समझा ना? सुनो जा तू, ये काम हो जाएगा तो चलनी लेना और भर चलनी पानी लाना है तुम्हें, समझे ना? तुम बन को निकल जाना, बन जाके लकड़ियां चुनना और बिना चुनना का लकड़ी बांध के लाना, समझा ना? तू अनुभव बन के बिना चुना लकड़ी कौन बोला? कौन बोला? कछुआ तुम बोले हो, जब्बा कर दूंगी मैं, समझा ना? मैं कुछ नहीं जानती हूं, सिर्फ ये जानती हूं मेरा काम होना चाहिए, समझी ना? आप कैसी बात बोल रही, कैसे हम सारा में पानी घोड़ के ला सकते हैं? आप कैसे बात ऐसा कह रही हो? समझा ना मम्मा, मम्मा चल लिए पानी नहीं भरेगा, जैसे होगा जैसे होगा भर के लाओगी बुलाओगी। अपना सुजन में थोड़ा सा तरह रहता है। कौन बोला? कौन बोला? समीना इधर गया, साकार साकार अरुआ परुआ लड़की की हो नहीं चाहिए, हाथ जाइए नहीं चाहिए। चलो बुटे तुम क्या है होश में? चलो तुम यहां से जो काम दी है वो काम करो। ऐसे घर में धनमनी उठा दिल के, ऐसे ऐसे घर में कुछ बीच कूट काट कर सा शुरू कर दिल, ये बात तो आप ही जानोगे ना, आप तो मेरे पिताजी का सिपाही हो, आप तो इस घर के बारे में इस राज के बारे में हर एक चीज जानते हो, बताओ इसमें हमारा क्या गलती, मैं इसे कैसे माँ कहूँ? माँ तो कहना ही नहीं, माँ को उठा तो मर गया चला गया, मैं कभी माँ नहीं कहूंगा। चलो अभी नहीं, मैं जा रही हूँ महल के अंदर, जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए और पिताजी को एक भी बात नहीं बताना जो मुझे ऐसे ऐसे वैसे वैसे करवा रहे हैं। कहेंगे पिताजी खाना खाया तो कहना हाँ मेरी माँ ने अच्छे से दूध भात खिलाई है, भर पेट खाया खाया हूँ, पेट मेरा भरा हुआ, समझे ना? हाँ रोने ढोने से काम ही चलता है। हाँ माजा बाजाई Thank you.
देखो बहन महाराज की जय हो। हेलो हेलो मंत्री महाराज की जय हो। मेरे शंकर सुशीला कहा है क्यों नहीं महाराज दरबार में है? क्या खुशी सो तो खेला धुपा? हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह से महाराज खाते पीते हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा है महाराज। झूला पर झूला बड़का झूला पर झूलवाए हैं लाव वाला पर एवं अति वाला पर भरा क्या नहीं मेरे प्यारी बेटी है एक प्यारा मेरा बेटा है उसके लिए मैं खिलौना लाया हूँ। अच्छे से दोनों भाई बहन खेला है क्यों ने, क्यों ने, तुम भी खेला? हाँ हाँ वो खेला है। शंकर कुमार प्रणाम पिताजी खुशी रहो। शंकर हाँ हाँ पिताजी खाना उना खाया? हाँ खाया खाना। क्या उदासी देखता हूँ बेटा? हाँ तुम्हारे लिए जो लालसर चिड़िया लाया था उससे खेल लिया? वो तो बहुत अच्छे से मुझे खिलाता है। खिलाता है ना? हाँ हाँ कोई कोई नहीं नहीं रखता है। मैं उसको बहुत तरह समझा कि पहले कह दिया जंगल में तुम मेरे लड़का और लड़की की अच्छे ढंग से तुम पढ़ाई लिखाई उसको करवाना है उसको अपने हाथ से भोजन करवाना है। शंकर कुमार हाँ हाँ पिताजी कोई दिक्कत तो नहीं दिया है? हमें कोई दिक्कत नहीं दिया है। मंत्री महाराज देखे हैं जो छोटी महारानी जो लाए हैं वो दूध को रखी है जो दूध को डाल फेंक दिया पूरे थाली खिलाया थाली पेट भर के हम भी दूध बहुत पिए हैं तुमको भी माना है ना अब और पानी छोड़ दिए हो खाली दूध पिए। शंकर कुमार हाँ हाँ पिताजी की कोई बात का दिक्कत है सो बोलो। नहीं नहीं पिताजी कोई तरह के कोई आप कोई रहे हो कोई दिक्कत नहीं महाराज आप को रहते हमें कोई तकलीफ नहीं है बेटा। कोई बात का शिकायत आ जाना मुझे तुम्हें खबर करना है मैं उससे शादी करके लाया हूँ सही बात है। मैंने जंगल गया शिकार खेलने के लिए बीजू वन जंगल में जाकर कि मैंने मुझे प्यास लग गया मैं प्यास से बेचैन हो गया बेटा। वहां ने ये भी शिकार खेलने के लिए आई थी ये मुझे पानी पिलाई मैं इसको बोला बहन देखो तू मुझे जैसे पानी पिलाई है मुझे प्राण का लुटाई तुम अपनी जुबान खोलो जो कुछ मांगना है मैं राजा महाराजा हूँ मैं तुझे दे दूंगा ये मुझे सच करवा लिया। और सच करवाने की बात ये मैं बोली कि महाराज मुझसे आपका शादी करना पड़ेगा मैं तो आसमान से गिर गया बेटा तेरे माँ ने सच करवाई थी जो मेरे मर जाने की बात आप शादी नहीं कीजिएगा मैं बेवश होकर की सच कर लिया इसलिए इससे शादी करके लाया हूँ। मैं इसको बोल दिया था मेरे शंकर और सुशीला की कोई तरह दिक्कत ना होना चाहिए। नहीं नहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा महाराज आपका भी दिक्कत दूर हम लोग का भी दूरे है इसलिए शंकर सुशीला की माँ 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 पुकार रही थी क्यों नहीं इसलिए इसको माँ मैं ले आया हूँ बेटी। माँ से जाकर की बोलो भूको माँ की गोद में बैठकर की खाना खाना है गोद में ही बैठ करके खाता हूँ पिताजी हमें बहुत प्यार करती है। ठीक है कहता है तो तू इधर उधर चुकर मुकुर क्या करता है महाराज ऐसा खाना तो हम जिंदगी में कहियो खेबे न किए हैं। मैं तो हरे ले उदासी रे बापू Oh, no.
पिताजी, मुझे विश्वास नहीं होता है। मैं तुम्हारे दोनों की आंख में आंसू देखता हूं। अगर कोई बात का शिकायत हुआ है तुम बोलो, मैं उसको जान से मार दूंगा। अगर मेरे बालक के ऊपर हाथ कोई छोड़ेगा। नहीं नहीं पिताजी, आ छोड़ने वाले का काट देंगे हाथ। मैं अगर सुशीला और शंकर के, अगर छोटी महारानी जो आई है जी जी, अगर कोई चरित्र दिक्कत होगी हम फौरन बता देंगे महाराज आप, तो मुझे कह देना। क्यों नहीं, मैं नंगी तलवार उठा करके उसको सरकार दूंगा। जी जी मास्टर साहब, तोरे हमारे पुरपुर पा दे कल के हमारा मुंसा के घरे गाला पुलिस वा देख के। पिताजी चलो, आप हम दोनों भाई के तरफ से थोड़ा भी चिंता नहीं कीजिए। हम दोनों भाई बहन बहुत अच्छा से रहते हैं। जी जी, अरे दूध भात खिलाया दोनों के। हाँ हाँ महाराज, तुम बैठ कर की वहाँ देखना है। मैं वहाँ बैठ कर की नहीं, सब कुछ देखते हैं जो कैसे खाते पीते हैं। मैं जाता हूँ छोटी महारानी के पास जी, और फिर मैं उसको जा करके बोल दूंगा जो मेरे लड़का की कोई तरह दिक्कत नहीं होना चाहिए। Thank you.
ये बता दी है, यदि हम और तुम नहीं करती हो यह फिर मारेगी। ये तो बहुत बड़ी चंडालनी है, इनके दिल में कोई रीता या धर्म नहीं है कि ये छोटा छोटा